पानीपत के संभालका ब्लॉक के गांव डिकाडला में बिजली विभाग की लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया। अपने घर की छत पर पानी की टंकी में पानी देखने गया विशेष नामक युवक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि वे कई बार इस संबंध में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पानीपत के संभालका विधानसभा क्षेत्र के गांव डिकाडला में मंगलवार सुबह विशेष नामक युवक अपने घर की छत पर रखी पानी की टंकी में पानी देखने गया था कि अचानक वह घर के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और बिजली के झटके से नीचे गिर गया। उसकी चीख सुनकर परिजन घर से बाहर निकले और उसे तड़पता देख सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतक के चाचा कृष्ण और अन्य परिजनों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की लापरवाही के चलते उनके बेटे की जान चली गई। सर जी, पानी की टंकी देखने के लिए चढ़ा था छत के ऊपर और जैसे ढक्कन खोलने लग गया वैसे पूरी टंकी में करंट था, वहीं हो गया। 11,000 लाइन गई या कई बार शिकायत कर ली पुलिस वालों से, उनसे बिजली विभाग से कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं। शिकायत करिए, कहने लगे 80-90 हज़ार रुपये लगेंगे इसमें, उठवा लो दूसरी अपने खर्चे से। लेकिन कई बार शिकायत करी सब के, जिसके पास मैं कॉपी लिखित में शिकायत कर रखी उस सारी फोटो कॉपी हमारे पास, सीएम विंडो से भी शिकायत हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। एक वो बिजली वाले आए थे एक बार, उनका लगा जी कोई हादसा हो जाएगा तभी ये लाइन हटेगी यहाँ से, नहीं कोई नहीं हटती, ऐसे जवाब है बिजली वालों का। क्या नाम था उस बिजली वाला, कुछ पता है जिसने ऐसा बोला? नाम निकाल नहीं पता जी। कौन से गांव का मामला है? डाडोला गांव। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? कोई ना, बिजली विभाग पर सख्त कार्रवाई चाह रहे हैं। ये जो मृतक है उसकी क्या उम्र है, शादीशुदा है क्या? नहीं, कुआर 20 साल का जी। नाम क्या है? विशेष। और कौन है घर में? मम्मी का बड़ा भाई है उसका। बड़ा भाई है जी। क्या नाम? कृष्ण जी। क्या लगते हो? चाचा में उसके। टंकी में पानी देखने के लिए गया था उसको, वहाँ पे देखा तो उसमें उसको ढक्कन उठाने लगे तो उसमें करंट था, करंट के वहाँ पे ही हादसा हो चुका था। करीब ये 7:30 बजे का टाइम था, तो जी सामने वाला महेंद्र है जी, पड़ोसी है, उसने देखा कि बाज के जाने लग गया, तो उसने आवाज़ लगाई, तो दूसरा भी और भी हादसा होने से टल चुका था, तो उसी अचानक लाइट चली गई, तो इसे ऊपर जो ऊपर जा कर के तो उन्होंने उसको उठाया, तो फिर आगे अस्पताल में जाने की कोशिश की। अच्छा जी, और एक बार और कहना चाहता हूँ जी, जो बारिश आती है हर एक घर में करंट आता है, हमारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं, इसलिए चाहते हैं जी तो बिजली विभाग की तरफ से उसमें अच्छा काम किया जाए, उसे हटाकर दूसरी जगह लगाया जाए, तो जो सबको सुविधा हो सके। शिकायत वगैरह दी? शिकायत जी नंगी तारे हैं जी, शिकायत भी दो तीन बार दे चुके हैं, जो हमारे साथ उनकी फोटो स्टेट भी है, सरपंच के पेडर लाइट से भी है लिखा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। क्या नाम आपका? हमारा महेंद्र जी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक